أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. ఖుదా కే జిక్ర్ సే దిల్ కో సుకూన్ మిల్తా హై. ఖుదా కే జిక్ర్ సే దిల్ కో सुकून मिलता है. खुदा के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है. खुदा के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है. उसी के हुक्म से सारा निजाम चलता है. उसी के हुक्म से सारा निजाम चलता है उसकी ज़ात रहीमो करीम बेहुमता है. उसकी ज़ात रहीमो करीम बेहुमता है. उसकी ज़ात रहीमो करीम बेहुमता. वो गम गोसार है सबकी दुआएं सुनता है. उसी के हुक्म से कुल का इनात चलता है. नुजूम शम्सो कमर में है उससे ताबानी. नुजूम शम्सो कमर में है उससे ताबानी. नुजूम शम्सो कमर में है उससे ताबानी. अंधेरी रात में जुगनू को नूर देता है. अंधेरी रात में जुगनू को नूर देता है. वो कुल जहान का खालिक है मालिको मुख्तार. वो कुल जहान का खालिक है मालिको मुख्तार. सफीना बहर में दम से उसी के चलता है. अंधेरी रात में जुगनू को नूर देता है. गदा को साह करे साह को गदाई दे. गदा को साह करे साह को गदाई
दे, गदा को साह करे साह को गदाई दे। मकी है अर्श पे तदबीर रे आम करता है, मकी है अर्श पे तदबीर रे आम करता है। वो गम गोसार है सबकी दुआएं सुनता है। रवा है चारों तरफ उस के फैज़ का दरिया, रवां है चारों तरफ उस के फैज़ का दरिया, रवां है चारों तरफ उस के फैज़ का दरिया। सदफ में कतर को मोती का रंग भरता है, उसी के हुक्म से सारा निजाम चलता है। गुलों में ताजगी फूलों में है बहार उससे, गुलों में ताजगी बागों में है बहार उससे, गुलों में ताजगी बागों में है बहार उससे। उसी के फैज़ से गुलशन में गुल महकता है, सफीना बहर में दम से उसी के चलता है। बेसोबात ये दुनिया नहीं करार इसको, है बेसोबात ये दुनिया नहीं करार इसको, है बेसोबात ये दुनिया नहीं करार इसको, है बेसोबात ये दुनिया नहीं करार उसको। है ना मुराद जो दुनिया पे जा छिड़कता है ना मुराद जो दुनिया पे जा छिड़कता है। और मक्ता देखिएगा, खुदा के बंदों में है मोतबर वही साकिब, खुदा के बंदों में है मोतबर वही जाहिद, खुदा के बंदों में है मोतबर वही जाहिद। गुनाह जो करता है तौबा से फिर संभलता है, गुनाह जो करता है तौबा से फिर संभलता है। खुदा के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, उसी के हुक्म से सारा निजाम चलता है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुरान मजीद की तिलावत और हम बारी ताला के बाद
आप जानते हैं कि फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफीज़हुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं और तकरीबन एक साल के बाद इस मजलिस का इनेकाद हुआ है इस मस्जिद के अंदर और हम सबको इस इजलास में शिरकत जो हमने अपनी यकीनी बनाई है हम सब आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रख कर आपने यहाँ दीनी अहमियत का सबूत दिया है और यहाँ पर हाजिर हुए होकर अपने ईमान में ताजगी को बहाल रखा है और ईमान में इजाफ़ा करने का जो ज़रिया है उसको उसमें हाजिर हुए हैं और ये जो वक्तन फवक्तन दीनी व इस्लाही इजलास मुनक़िद होते हैं इसका बुनियादी मकसद जैसा कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में भी कहा है फरमाया है कि वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन कि आप नसीहत कीजिए बेशक नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। इस हुक्म की अमली तनफीज़ इसका अमली नमूना गोया कि हमारे सामने है कि हम ये जो वक्तन फवक्तन इजलास छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो मुनक़िद होते हैं इसका यही बुनियादी मकसद होता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जो लोग इल्म वाले हैं जानने वाले हैं और ये लोगों को नसीहत करें और नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुंचाती है। इस अम्र की तनफीज़ या इस हुक्म की तनफीज़ के पेश नज़र वक्तन फवक्तन ज़िम्मेदारान मस्जिद की जानिब से इस इजलास का इनेकाद होता है। और दूसरी बुनियादी चीज़ कि एक इंसान का फितरी मामला है कि वो शैतान उसका आदली दुश्मन है वो हमेशा पीछे लगा रहता है अमल में पीछे करने के लिए लगा रहता है और इंसान को गुमराह करने के लिए हमेशा दरपे रहता है। उसके लिहाज से इंसान अपनी राह भटक जाता है या अमल में कोताही का शिकार हो जाता है। आप मुआशरे में देखिए कुछ लोग बेअमल हैं कुछ बदअमल हैं कुछ कम अमल हैं। इस बेअमली और कम अमली या बदअमली को दूर करने के लिए हम ये वक्तन फवक्तन ये इस्लाही और दीनी इजलास का इनेकाद करते हैं और इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब यहाँ हाजिर हुए हैं कि हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी जो गुमराहियाँ हैं उससे हम अपने आप को दूर करें। और यहाँ पर जो लोग भी हाजिर हुए हैं मेरी उन हज़रात से और अपनी ज़ात से भी नसीहत है कि हम सब जब भी किसी इजलास में शरीक हों तो सबसे पहले हमारी नियत इस हैसियत से हमारी नियत पाक व साफ होना चाहिए हमारे नियतों में की इसलाह होनी चाहिए कि हम यहाँ पर सिर्फ एक शिरकत या एक आम इजलास का जो इनेकाद होता है उसमें हम शरीक हो जाते हैं लेकिन इस नियत से शरीक हों कि हमारी जो गलतियाँ हैं जो कोताहियाँ हैं जो गुमराहियाँ हैं जो कमज़ोरियाँ हैं हम उसको दूर करेंगे और जो नेक बातें सही बातें दीन और शरीयत की बातें बताई जाएंगी और उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करेंगे। ये हर एक आदमी अपनी तौर पर इनफरादी और शख्सी तौर पर इस नियत और इस हौसले के साथ यहाँ बैठे और इसी जज्बे के साथ यहाँ पर तकरीर को सुने तभी उसका खातिर खा फ़ायदा होगा वरना ये आम इजलास होते रहेंगे और आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली रनुमा ना करे और इस नीयत से ज़िंदगी ना गुजारे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों हम अपनी इस अमल और इस नीयत के साथ यहाँ पर हाजिर हों कि हम जो कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे जो हमारी कमज़ोरी या जो हमारी गुमराही या गलती है उसको अपनी ज़िंदगियों से दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।